कंसेप्ट कि ये करना है, हम लोगों ने डिस्कस किए। तो उसने मेरे को बहुत सारे सवाल पूछे कि ये करेंगे तो कैसा होगा भाई, वो करेंगे तो कैसा होगा, घर पे हम जाएंगे अगर घर के अंदर हमको जाने नहीं दिए, हमारे एग्जीक्यूटिव जाएगा तो घर के अंदर अगर हमको जाने नहीं दिए तो हम क्या कर सकते हैं। हम पहली चीज़ ये है कि हम आपको सुरक्षा देने के लिए जा रहे हैं, हम आपको कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम आपके घर का जो भी सुरक्षा है, माँ, बहन, बेटी, बहू जो भी है, इन लोगों का सबसे बड़ी जो जन्नत है वो है किचन। चाहे ऑनर्ड एंड बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि आप लोगों के बीच में है। एंड इसके अलावा सी दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज जो हमारे एंकर्स ने हमें फरमाया कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है, सबसे ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड है। एंड मैं दिल से, क्योंकि मेरी माँ, मेरी बहनें और जो मेरी भाभी हैं वो सब के सब, दैट्स वेरी रिस्की टू वर्क इन किचन। एंड जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया गया है अबाउट दिस, सो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। और मैं आप लोगों के बीच में आके कुछ दो वर्ड्स फरमाने की यही कोशिश रहेगी मेरी कि सी बिकॉज I am very foodie और मुझे personally cooking करना बहुत पसंद है और मैं खुद भी cook करता हूँ। तो कोशिश यही करता हूँ कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक खाना बना दूँ। तो कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया, बट हाँ 2-3 केसेस मैंने सुने कि आसपास कहीं गैस ब्लास्ट हुआ, कहीं डैमेजेस हुए। सो ये चीज़ जहाँ अवेयरनेस हो, जहाँ सेफ्टी हो, where I always try to go and convince people that जहाँ भी जाएं safely रहें। तो ये चीज़ जो आज initiative है यहाँ पे और शताब्दी Protection Private Limited जो company start की गई है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ और लोगों से विनती कहूँगा कि request करूँगा कि यहाँ आएँ और take the protection, take the help। और कहीं भी किसी भी चीज़ का आपको गैस से related कुछ भी problem हो, so always go and have faith on these people because ये लोग भी आप ही लोगों के बीच से उठे हैं और कुछ करने की जज्बा लेके आगे आए हैं। तो नमस्कार सभी को। शताब्दी गैस प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी इस कारण प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम कि घर में एक गृहिणी होती है जिनके सुरक्षा का कोई आज तक ध्यान नहीं रख पाया, क्योंकि गैस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आगे सारे खतरे होते हैं वहाँ पर। तो इससे ये हो जाएगा कि हम शताब्दी गैस प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सारे महाराष्ट्र के बहू बेटियों की सुरक्षा, क्योंकि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, इसका जिम्मा शताब्दी गैस प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड ले रही है। हमारे सर्विस इंजीनियर्स वहाँ पर जाके, घर घर में जाके ये चेक करेंगे कि कोई गैस लीकेज है नहीं है, और जहाँ पर भी कोई खतरा है या कोई प्रॉब्लम्स है वहाँ पर 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पहले ना कभी इसके बारे में सोचा गया, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने भी कैजुअलिटीज़ होते हैं इसके बारे में वो कैजुअलिटीज़ होने के बाद सबको पता चलता है। और ये इतना गंभीर मसला है ये, क्योंकि ये तो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ तो होती है, स्ट्रक्चरल भी कैजुअलिटीज़ होती है, इकोनॉमी का भी खतरा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें को ख़त्म करने के लिए आइंदा इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि सोसाइटी में हम लोग जहाँ पर रहते हैं सोसाइटी में क्राउडेड है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर रसोई घर में ज़्यादातर हमारी बहू बेटियाँ, माँ जी काम करती है, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा ये कॉन्सेप्ट के थ्रू शताब्दी गैस प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू हम लोग ले रहे हैं। और महाराष्ट्र में घर घर हमारे सर्विस इंजीनियर्स जाएंगे और वहाँ पर ये कोशिश करेंगे, चेक करेंगे कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स आर इन वेल कंडीशन, गुड कंडीशन, जहाँ भी होगा वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। और आइंदा से ये हादसा ना हो, इसका जिम्मा शताब्दी गैस प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने लिया है। अवेयरनेस कितना जरूरी है लोगों में कि हाँ इस प्रकार का कोई हादसा ना हो, उसके पहले ही लोग अवेयरनेस को लेके कितना तैयारी कर रहे हैं। सर जी इसके PROs हैं जो हम अवेयरनेस कैंपेनिंग करेंगे शहर शहर में, सोसाइटी में, गांव गांव में, क्योंकि इसके पहले इस तरह का कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये सोच ही थी नहीं। क्योंकि आपके घर में भी गैस होगा, 10-15 साल से 20 साल से आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ खतरा है, इसकी सोच नहीं थी। लेकिन इसके लिए इसके अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ह्यूमन कैजुअलिटी जब होती है तो उसकी कोई मतलब हम भर नहीं सकते उस चीज़ को। तो इसके लिए पहले इसका अवेयरनेस कैंपेनिंग भी साथ साथ चलेगा, पूरे गांव में, पूरे शहर में, जहां पर भी हो अवेयरनेस हम करने की कोशिश करेंगे, जहां तक लोगों को एहसास हो कि पहले सुरक्षा होनी चाहिए घर में। सर ओके, ब्रांच की बात करें तो ये विरार में पहला ब्रांच है या ऑल ओवर मुंबई या पूरे देश में और कहीं है इस प्रकार का ब्रांच? विरार इज आवर हेड ऑफिस, विरार में हेड ऑफिस है, और सीबीडी बेलापुर जो कि नवी मुंबई स्थित है, नवी मुंबई में हमारा कॉरपोरेट ऑफिस है। ये दोनों ऑफिस महाराष्ट्र का सेंट्रलाइज काम करेंगे। सीबीडी बेलापुर में हमारा 24/7 कॉल सेंटर बनेगा, जो कॉल सेंटर में कहीं से भी अगर फ़ोन आता है जहाँ पर खतरा है वहाँ पर वहाँ के सर्विस इंजीनियर एलोकेट होते हैं। एवरी 20 किलोमीटर में हमारा एक सर्विस इंजीनियर है, वो जाके वहाँ पर 24 घंटे में उस चीज़ को सॉल्व करेगा। ऑफिसेस यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में फेज़ 1 में हम पालघर, नवी मुंबई, रायगढ़, थाने और नासिक, पुणे, यहाँ पर हम फेज़ 1 में लॉन्च हो रहे हैं। आगे चल के हम और 8 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च होंगे। इस तरह फेज़ 3 में पूरा महाराष्ट्र हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम हर घर में एक गैस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पर सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कंपनी ने इस बात का ख्याल किया है कि गरीब से गरीब इंसान को भी, आदमी को भी ये कॉस्टिंग में ये सर्विस क्या कहते हैं उसको, अफोर्डेबल है। और अफोर्डेबल सर्विसेज अगर इसका कॉस्टिंग देखें हम तो पर डे 2 रुपीज़ से भी कम आता है इसका कॉस्टिंग। और इसके 4 सर्विसेज है थ्रू आउट ईयर हमारे सर्विसेज, 4 सर्विसेज है, वहाँ पर हमें सर्विस इंजीनियर जाके उस चीज़ को ठीक देख लेंगे। इसका मतलब इसकी कॉस्टिंग तो बहुत ही कम है, इसमें कोई कंपटीशन है नहीं, इतने कम कॉस्ट में बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट हमने रखा है कंपनी ने। हेल्पलाइन नंबर वगैरह कुछ होगा? यस ऑफ कोर्स। इसमें एक जब भी कस्टमर को हम सर्विस देते हैं तो कस्टमर को एक यूनिक कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड पे एक नंबर आता है, ये यूनिक नंबर होता है थ्रू आउट महाराष्ट्र। इस नंबर से वो कॉल सेंटर में पूरा डेटा उसका आ जाएगा और वो कौन से एरिया में स्थित है वहाँ पर हमारा सर्विस इंजीनियर जाके उसको सर्विस देगा। सो 24/7 हमारा कॉल सेंटर काम करेगा और विदिन 24 आवर्स उसकी कंप्लेंट हम सॉल्व करेंगे। उसको ये मशीनरीज उसके साथ में, सर्विस इंजीनियर के साथ में होगी ऑलवेज। ये ऑन करते ही घर में कहीं पर भी लीकेज है तो डिटेक्ट करेगी। लीकेज डिटेक्टर का एक ये वजह ऐसी है कि अगर गैस 30 दिन चलती है तो स्मॉल डिटेक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्मेल पे डिपेंड रहते हैं कि भाई स्मेल आएगा तो हमें पता चलता है कि लीकेज है। यहाँ पर ऐसा है कि इतना भी छोटा लीकेज है घर में तो भी ये डिटेक्ट करता है, तो इससे खतरे के चांसेस बिल्कुल ही बहुत कम हो जाते हैं। और दूसरा है कि ये सेव करता है, क्योंकि लीकेज हो रहा है तो हमें समझ में नहीं आता। ये मशीन को अगर हमारा सर्विस इंजीनियर वहाँ पर गया, उसने लीकेज फाइंड आउट किया वो कितना है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, और ऑल हमारे सर्विस इंजीनियर टेक्निकली क्वालिफाइड है। ऑल टेक्निकली क्वालिफाइड सर्विस इंजीनियर्स को ही हम ले रहे हैं, और उनका और भी ट्रेनिंग है, बिहेवियरल ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग है, सारा इक्विप करके उनके पास मशीनरीज है। हमारा ऐप है, ऐप के थ्रू वो सर्विस इंजीनियर वहाँ कस्टमर जब OTP देगा, उसके OTP आएगा हमारे कॉल सेंटर में और यहाँ से हम एस करेंगे तभी वो सर्विस मानी जाएगी। इस तरह हमने पूरा डिजिटलाइजेशन किया है, पूरा सर्विस का ख्याल रखा है, पूरा ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में हमारा नेटवर्क अभी बन रहा है। सर सेंट्रलाइज है ये? ओके, कैसे है? नहीं, इट्स अ सेंट्रलाइज कॉल सेंटर 24/7। 1 नंबर कैन डिटेक्ट द कस्टमर एनीवेयर इन महाराष्ट्र। ओके, थैंक यू। यहाँ पे शताब्दी गैस एजेंसी लॉन्चिंग पर आई है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और कितनी खुशी हो रही है इस प्रकार का सर्विस यहाँ पे आया है पहली बार विरार में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एजेंसी एंटायर टीम को? रश्मिता पानिग्राही, मैनेजिंग डायरेक्टर। रश्मिता पानिग्राही हूँ, ये शताब्दी गैस प्रोटेक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये कंपनी हमारा सपना था, आज उसे देख के, पूरा होते हुए देख के हमें भी और हमारे को टीम जितने हस्बैंड और पार्टनर सबको बहुत खुशी हो रही है। और हमारा एक ही मकसद है जितने भी औरतें घर में सब काम करें उनको सुरक्षा प्रदान करना।